Hey guys, welcome and welcome back to our channel. सोना सिंह सुनो। और अभी हम लोग क्या दिखाने वाले हैं? जो नहीं दिखाना चाहिए, जो नहीं दिखाना चाहिए बट दिखाना जरूरी है, क्योंकि हम जिस छत पे हैं अभी, हम पहली बार भी देख रहे हैं कि कोई बंदर आता है और वो करके चला जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए। पूरा छत भर के रखा है हम लोग अभी, जहाँ पे देख सकते हैं किस चीज से भर के रखा है हम लोग अभी, और जहाँ तक आप देखेंगे ना वहाँ आपको यही दिखेगा। इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, और भी अभी अभी सीढ़ी साइड में भी है। खैर, दिखाना नहीं चाहिए, मुद्दा ये भी नहीं था कि हमें दिखाना है। बात है कि बहुत गंदा है, सच में बहुत गंदा है। जितना सफाई करके हम लोग थक गए ना, अभी अभी लग रहा है अभी उतना और करना है। आप लास्ट वाले ब्लॉग में देखे होंगे कि हम लोग सफाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बट वो घर के अंदर का सीन था, फर्स्ट फ्लोर का था, सेकेंड फ्लोर का था। अभी यह कि अभी हम लोग सोचे छत पर थोड़ा बैठते हैं ठंडक में, हवा में, तो अभी छत पे आए तो लगा कि ये भी बैठने लायक नहीं है, तो अभी इसका भी सफाई करना हम लोग को बाकी है। तो अभी इसका भी होगा किसी दिन, अब देखते हैं, आज भी हमें होगा तो होगा। बाकी कुछ बोलना है? बस बाकी इस ब्लॉग को शुरू करते हैं यहाँ से। जी, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नहीं बोलेंगे बिकॉज इंट्रो हम पहले दे चुके हैं, बट अभी हमारे बिना दुपट्टे वाले लुक को इग्नोर करिएगा, बिकॉज गर्मी जितना है ना, आप समझ सकते होंगे थोड़ा दिक्कत होता है। वैसे भी अभी हम इतने दूर में अकेले हैं तो इसलिए दुपट्टा नहीं ले, उस चीज़ को साइड करते हैं। हम बना रहे हैं आज पनीर का सब्जी, जो कि इस चाकू में थोड़ा हल्दी लगा हुआ था इस वजह से पीला पीला हो गया, और इस साइड में रखे हैं प्याज, और ये रहा मसाला। और अब हम आपको बता दें कि मम्मी का ब्लॉग देख देख के हमारा भी मन हुआ कुछ रेसिपी शेयर करने का, तो हम भी नॉर्मल सा पनीर का सब्जी वाला रेसिपी आज शेयर कर रहे हैं। पूरा डिटेल में तो मे भी कि नहीं हो पाएगा, बट ट्राई करेंगे कि वैसा हो पाए, और थोड़ा बहुत बीच बीच में कोशिश करेंगे मम्मी का हम कॉपी कर सकें, तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो पहले पनीर को फ्राई करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, या फिर फ्राई करते हुए मिलते हैं आपसे। तो जब तक हमारा कढ़ाई सूखा, जो कि भींगा हुआ था धोने की वजह से, तब तक में हम प्याज चॉप कर लिए, और अब डालेंगे इसमें तेल। सरसों तेल हम यूज कर रहे हैं, बाकी आप जो भी तेल रेगुलर यूज करते होंगे वो यूज कर सकते हैं। अभी तलने के लिए चाहिए तो इतना काफ़ी है, बिकॉज इसी में सब्जी भी हो जाएगा और इसी में हम तल भी लेंगे। और क्या है कि हम पहले ही बता दें, बहुत बेसिक से मसाले पड़ने वाले हैं। ये है लहसुन, अदरक और जीरा और गोलकी का पेस्ट। और हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम पहली बार होममेड गरम मसाला बनाए हैं, मतलब इन आविष्कार नहीं किए, बट क्या है कि इंग्रेडिएंट्स कुछ कुछ इकट्ठा करके, अमाउंट उसका खुद से तालमेल बैठा के, इसमें भर के हम एक डब्बा गरम मसाला बना के रखते हैं। गरम मसाला कह सकते हैं, या कोई भी ऐसा मसाला एक होता है ना जो कि सारे सब्जी में चला जाता है, तो वैसा एक मसाला बनाए जो सारे सब्जी में चला जाए, ये सरसों वाले सब्जी को छोड़ के, तो वैसा मसाला ट्राई किया। अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, अदरवाइज चाहिए तो नहीं, किसी को सबका अपना स्पेशल रेसिपी होता है। खैर, चलते हैं पनीर की सब्जी की तरफ। ये पूरा तेज गर्म हो जाएगा तब डालेंगे, क्योंकि ऐसा है कि पनीर थोड़ा जल्दी चिपक जाता है कढ़ाई में, तो वो पूरा हीट हो जाएगा, फिर पनीर को तल लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेप में, जब स्टेप में आगे बढ़ेंगे तब। तो ये हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, और इधर तेल थोड़ा, क्या है ना कि पनीर गर्म किए फ्राई किए तो काला हो गया पनीर की वजह से, और ये सरासर हम झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज क्या ही कहेंगे कि हमसे जल गया, तेल जल गया था। बाकी तेज पत्ता डाल के अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज, और प्याज फ्राई करके बस मसाला डालेंगे, और वही मसाला फ्राई करेंगे, फिर मसाला फ्राई करते हुए मिलते हैं, बिकॉज हम बहुत शॉर्टकट में रेसिपी दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको रेसिपी आपके सामने हम नहीं भूकेंगे, क्योंकि हमसे खुद ही नहीं हो पाएगा दोनों काम, ये इधर खोलने भी करना और रिकॉर्ड भी करना, तो हम ट्राई बस कर रहे हैं अभी। इधर मम्मी का काम बहुत हार्ड वर्किंग है, मानना पड़ेगा। और प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, तो अब हम चले मसाला अपना ये डालने। ये हो गया मसाला, और जो जो कुछ डाल रहे हैं अभी हम ट्राई करते हैं आपको दिखाने का। ये रहा हमारा मसाला दानी का डब्बा, जो कि आपको बहुत गंदा दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है ना कि ये गंदा है नहीं, ये थोड़ा मसाला इसमें का उसमें चला गया है और कुछ नहीं है, और वो भी ट्रैवलिंग में ये क्या हुआ था कि इसमें का उसमें थोड़ा फैल गया था, तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग ही मत कहिएगा कि हम बहुत गंदा से रहते हैं। थोड़ा ट्राई हम भी करते हैं, बट थोड़े बहुत नेचुरली हम असतिया हैं तो उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। और अब डालते हैं इसमें मिर्ची पाउडर, अभी ये हो गया मिर्ची पाउडर, आपको देखने में ज़्यादा लग रहा होगा, एक्चुअली है भी ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत स्पाइसी हम लोग इधर खा रहे हैं यहाँ आके। और ये रहा धनिया पाउडर,
अभी सबको डिब्बे में ट्रांसफ़र करना है हमको, बाकी देखते हैं शुरू होने पर निकलता है। ये हो गया बेसिक सा मसाला। अब हम आपको बता दें कि हम लोग को क्या है ना कि ग्रेवी भी बहुत सारा खाना होता है, ग्रेवी हम लोग को बहुत पसंद आता है, ग्रेवी ज़्यादा ज़्यादा रहता है सब्ज़ी में या नॉन वेज में किसी भी चीज़ में, मेरे हस्बैंड को हो, हस्बैंड को हो, देवर को या मेरे को हो, तो हम लोग को ग्रेवी बहुत पसंद आता है। तो इसलिए अभी क्या है ना कि इतना थोड़ा कम कर रहा था, और ग्रेवी भी क्या चाहिए तो पतला पतला नहीं, गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए ये थोड़ा सा कम पड़ रहा था मेरे को ऐसा लगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा टमाटर इधर पीसते हैं, उतना सड़ा हुआ था तो उसको साइड कर दिए, और ये भी इसमें डाल देंगे, इससे थोड़ा ग्रेवी भी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हम डालें इसको पीस के, आप ऐसे काट के भी डाल सकते हैं, बट पीस के डालें तो वो मसाला में मिक्स होकर थोड़ा ज़्यादा लगेगा कि मसाला हो गया, तो वैसे ग्रेवी थोड़ा मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाता है। आप ग्रेवी ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं मेरे को बताइएगा, पहले मसाला फ्राई करते हैं आप। और हमारा मसाला फ्राई होते होते इस स्टेज पे अभी आ चुका है, जब बोलता लोग ना तेल छोड़ दिया है, तो जब इसका तेल साइड साइड हो जाए तब हम डालेंगे अपना होममेड गरम मसाला जो कि हम घर पे तैयार किए हैं। इसमें से थोड़ा सा, बिकॉज ये पनीर का सब्ज़ी है, नॉन वेज ये सब में थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा डलता है, बिकॉज इसमें स्मेल का बहुत होता है, और ये डाल दिए। अब कुछ नहीं, बस पानी डालेंगे, इस साइड में पनीर है ये डालेंगे, और जस्ट थोड़ा सा पानी लेंगे वो डाल देंगे, फिर डबका के मतलब बॉईल करके एक बॉईल आने तक, फिर हो जाएगा हमारा पनीर का सब्जी। देख ही लिए बन गया, अब डायरेक्ट अब आपसे डिनर पर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो खाना कंप्लीट होने के बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए, तो आधे खाने में हमको याद आया, तो फिर यही रिकॉर्ड किए थे कि खाना में हमारा क्या क्या था, तो यही कुछ था हमारे डिनर में, फिर हम सो गए थे, तो नेक्स्ट डे का अपडेट आपको देखने मिलेगा। ये रहा सब्जी, ये रहा रात वाला सब्जी पनीर, और ये रहा रात वाला चावल। नहीं कोई बात नहीं, हमको अच्छा लग रहा है, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, अभी क्या हुआ है, हम खाएंगे, अच्छा लग रहा है। बाकी इसमें गरम गरम चावल, इसमें आज का एकदम इसमें गरम चावल है जो कि हम लोग खाएंगे, बाकी बासी इंसान बासी खाना खाए। ये अलैका से और ये दाल चिल्ला रहा है, अलैका देखिए उस टाइम से चिल्ला रहा है, एकदम चुप है, देखिए। इसका अभी हम वीडियो नहीं दिखाए हैं, आप स्टार्टिंग में देखिएगा तो हम लोग वायरल हुए इसी के वीडियो से, इतना अच्छा था, अभी आके खराब हो गया है लड़का। और हम बात कर रहे थे कि हमारी ननद आने वाली है, तो इधर गायत्री है, उधर में राजा है, और अभी आए हैं लोग एक दो घंटे से, लेकिन अभी बैठ के बात कर रहे थे लोग, अभी जा रहे हैं खाना खाने, खाना खाने के बाद बात करें। इनका पासवर्ड आपको गलती से दिख गया होगा, लेकिन इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग। तीसरा पासवर्ड दिख गया, आप स्क्रीन खोल रहे थे तो नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, मोबाइल लेके जा सकते हैं। हाँ ले जाइए जल्दी।